गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, पिछले बार हमने पार्ट 4 सीखा और समझा था। आज मैं आपके सामने पार्ट 5 दोहे को आपको समझाऊंगी। ये दोहे जो हैं कबीर दास जी ने लिखे हैं। इस पाठ में दिए गए दोहे कबीर दास जी के हैं। कबीर दास जी साधु का जीवन जीते थे। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण उन्हें पूरी दुनिया में प्रसिद्धि मिली। वे हमेशा कर्म में विश्वास करते थे और यही उपदेश दूसरों को भी देते थे। तो कबीर दास जी हमेशा किस में विश्वास करते थे बच्चों? कर्म करने में। और उनका जो व्यक्तित्व था बहुत ही प्रभावशाली था, जिसके कारण सारी दुनिया में उन्हें प्रसिद्धि मिली थी। तो आइए हम देखते हैं कबीर दास जी के दोहे। पहला दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। बच्चों यहाँ पर दिया है काल करे सो आज कर, काल याने कल, आज करे सो अब, आज याने आज, जो भी काम करना है उसे अब याने अभी, पल में परलय, परलय याने प्रलय, परलय याने प्रलय। तो यहाँ हम देखेंगे इस दोहे का अर्थ। अर्थ, कबीर दास जी समय का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जो काम कल करना है उसे आज कर लेना चाहिए और जो काम आज करना है उसे अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी क्षण प्रलय हो सकता है, फिर कार्य को कब करोगे। इस दोहे में समय के सदुपयोग का महत्व बताया गया है। तो बच्चों इस दोहे में आपने देखा किसका महत्व बताया गया है? समय के सदुपयोग का। तो इस अर्थ को मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ, दोहा भी पढ़ती हूँ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। अर्थ, कबीर दास समय का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जो काम कल करना है उसे आज कर लेना चाहिए, जो काम आज करना है उसे अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी क्षण प्रलय हो सकता है, फिर कार्य को कब करोगे। इस दोहे में समय के सदुपयोग का महत्व बताया गया है। तो बच्चों आपको ये कबीर दास जी का पहला दोहा समझ में आ गया होगा और आप इस दोहे को याद करिए और इसके अर्थ को लिखने की कोशिश करिए। चलिए दूसरा दोहा देखते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुमिरन याने याद, सुमिरन याने याद, सुख में करे न कोई, कोई याने कोई, कोई याने कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, हो याने होगा। अब हम इस दोहे का अर्थ देखते हैं। अर्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि दुख में सभी व्यक्ति ईश्वर को याद करते हैं, सुख में ईश्वर को कोई भी याद नहीं करता है। जो व्यक्ति सुख में ईश्वर को याद करता है उसे कभी दुख नहीं मिलता है। इस दोहे में कवि ने ईश्वर को हमेशा स्मरण करने को कहा है। तो बच्चों ये दोहा था, दोहा में एक बार फिर से पढ़ती हूँ। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। बच्चों मनुष्य का स्वभाव होता है जब कभी भी दुख या मुसीबत आती है तो सबसे पहले हमें कौन याद आते हैं? ईश्वर। तो कबीर दास जी कहते हैं कि दुख में तो आप याद करते हो परंतु सुख में नहीं। कबीर दास जी के अनुसार यदि आप सुख में भी ईश्वर को याद करेंगे तो आपके ऊपर दुख कभी भी नहीं आएगा। चलिए अब इस दोहे का अर्थ हम किस प्रकार लिखेंगे। अर्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि दुख में सभी व्यक्ति ईश्वर को याद करते हैं और सुख में ईश्वर को
कोई भी याद नहीं करता है। जो व्यक्ति सुख में ईश्वर को याद करता है उसे कभी दुख नहीं मिलता है। इस दोहे में कवि ने ईश्वर को हमेशा स्मरण करने को कहा है। चलिए अगला दोहा देखते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए। साधु यानि सज्जन, सूप यानि आपने घर में देखा होगा आपके मम्मी जिस सूप से अनाज को साफ करती है वही सूप। सुभाय यानि स्वभाव, आपकी जो स्वभाव रहता ना आदत वही। सार सार को गहे रहे थोता दिए उड़ाए, थोता दिए उड़ाए। अब इसका अर्थ देखेंगे हम। कबीर दास जी कहते हैं कि सज्जनों का स्वभाव साधु के समान होना चाहिए। कबीर दास जी कहते हैं कि सज्जनों का स्वभाव साधु के समान होना चाहिए। जिस प्रकार सूप निरर्थक को उड़ाकर सार्थक वस्तु को बचा लेता है उसी प्रकार सज्जन को भी आवश्यक बातों को ग्रहण कर अनावश्यक बातों को छोड़ देना चाहिए। इस दोहे में कवि ने कहा है कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए, साधु के समान होना चाहिए। और कैसे, जिस प्रकार सूप निरर्थक वस्तु को क्या कर देता है, उड़ा देता है और अपने पास कौन सी वस्तु बचा कर रखता है, सार्थक वस्तु, उसी प्रकार सज्जन को भी अनावश्यक बातों को छोड़ देना चाहिए और आवश्यक बातों को ग्रहण करना चाहिए। तो बच्चों आप इस दोहे का अर्थ समझ गए होंगे। चलिए अब हम अगला दोहा देखते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अहंकार को छोड़कर सदैव मीठी वाणी बोलना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अहंकार को छोड़कर सदैव मीठी वाणी बोलना चाहिए। आपकी मीठी वाणी सुनकर आप स्वयं भी प्रसन्न हो जाते हैं और जो सुनते हैं वह भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो बच्चों आपने ये देखा यहाँ पर जो शब्द दिया है वाणी, वाणी यानि वाणी, बोलिए यानि बोलना चाहिए, आपा यानि अहंकार, खो यानि छोड़कर, औरन यानि दूसरों को, शीतल यानि शीतल। तो अभी हम इसका अर्थ एक बार फिर से देखेंगे। अर्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य को अहंकार को छोड़कर सदैव मीठी वाणी बोलना चाहिए। आपकी मीठी वाणी सुनकर आप स्वयं भी प्रसन्न हो जाते हैं और जो सुनते हैं वह भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये हमारे इस दोहे का अर्थ था। चलिए अगला दोहा देखते हैं। साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीर दास जी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि ईश्वर मुझे इतना धन दीजिए जिसमें मेरे परिवार का पालन पोषण आसानी से हो जाए। यदि कोई अतिथि मेरे घर आए तो वह भी भूखा ना जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य को लोभ नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसमें संतोष करना चाहिए। साई याने ईश्वर, कुटुम याने परिवार, कुटुम याने परिवार, साधु याने अतिथि, यहाँ पर साधु का मीनिंग यहाँ पर इस दोहे के अंतर्गत अतिथि के रूप में आया है। तो हम इस अर्थ को एक बार फिर से देखेंगे। अर्थ,
कबीरदास जी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि ईश्वर मुझे इतना धन दीजिए जिसमें मेरे परिवार का पालन पोषण आसानी से हो जाए। यदि कोई अतिथि मेरे घर आए तो वह भी भूखा ना जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को लोभ नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसमें संतोष करना चाहिए। बच्चों, ये हमारे थे दोहे जिनके की अर्थ हमने अभी देखे। उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का, कवि ने अपना काम तुरंत करने के लिए क्यों कहा है? कवि ने अपना काम तुरंत करने के लिए क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने समय की महत्ता और जीवन की क्षणभंगुरता के कारण अपना काम तुरंत करने के लिए कहा है। कवि ने क्यों कहा है कि जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्षणभंगुर है, कभी भी किसी भी समय हमारी मृत्यु हो सकती है और समय बहुत ही कीमती है, क्योंकि एक बार यदि कोई समय निकल जाता है तो वह वापस लौट कर नहीं आता है। बीता हुआ समय वापस लौट कर नहीं आता है, इसलिए हमें समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। तो अब हम इस उत्तर को किस प्रकार लिखेंगे? थे कवि ने समय की महत्ता और जीवन की क्षण भंगुरता के कारण अपना काम तुरंत करने के लिए कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। खा, कवि ईश्वर को सुख में याद करने को क्यों कहता है? कवि ईश्वर को सुख में याद करने के लिए क्यों कहता है? उत्तर, कवि ईश्वर को सुख में याद करने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख नहीं आता है। कवि के अनुसार यह है कि यदि आप सुख में भी ईश्वर को याद करते रहेंगे तो आप पर कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। गा, अच्छे व्यक्ति का स्वभाव किसके समान होना चाहिए? उत्तर है, अच्छे व्यक्ति का स्वभाव सूप की तरह होना चाहिए। अच्छे व्यक्ति का स्वभाव सूप की तरह होना चाहिए। हमने देखा ना दोहे में कि सूप क्या करता है, सार्थक वस्तु को बचा रख लेता है और निरर्थक वस्तु को उड़ा देता है। उसी प्रकार अच्छे व्यक्ति को भी आवश्यक बातों को क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए और अनावश्यक बातों को छोड़ देना। लिखित प्रश्न नंबर एक, उचित विकल्प के सामने सही लिखिए। उचित विकल्प के सामने सही लिखिए। का, कवि ने अपना काम कब करने को कहा है? कवि ने अपना काम कब करने को कहा है? उत्तर आएगा, तुरंत। कवि ने अपना काम तुरंत करने के लिए कहा है। खा, कबीरदास जी के अनुसार हम भगवान को कब याद करते हैं? कबीरदास जी के अनुसार हम भगवान को कब याद करते हैं? उत्तर है हमारा, दुख में। कबीरदास जी के अनुसार हम कब भगवान को कब याद करते हैं? दुख में। गा, हमें कैसी वाणी बोलना चाहिए? उत्तर है हमारा, मीठी। हमें कैसी वाणी बोलना चाहिए? मीठी। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तर लिखिए। का, कवि ईश्वर से क्या चाहता है और क्यों? कवि ईश्वर से क्या चाहता है और क्यों? उत्तर, कवि ईश्वर से इतना धन चाहता है जितने में वह अपने परिवार का तथा घर में आए अतिथियों का पेट भर सके। कवि ईश्वर से इतना धन चाहता है जितने में वह अपने परिवार का तथा घर में आए अतिथियों का पेट भर सके। खा, मीठी वाणी बोलने के क्या फायदे हैं? खा, मीठी वाणी बोलने के क्या फायदे हैं? उत्तर, मीठी वाणी बोलने से परस्पर स्नेह की भावना बढ़ती है और सुनने तथा बोलने वाले दोनों को अच्छा लगता है। मीठी वाणी बोलने से परस्पर स्नेह की भावना बढ़ती है
और सुनने तथा बोलने वाले दोनों को अच्छा लगता है। गा, कभी समय के सदुपयोग को महत्व क्यों दे रहा है? उत्तर है, यह जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए कभी समय के सदुपयोग को महत्व दे रहा है। यह जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए कभी समय के सदुपयोग को महत्व दे रहा है। घा, कभी के अनुसार संसार में कैसे लोगों की आवश्यकता है? कभी के अनुसार संसार में कैसे लोगों की आवश्यकता है? उत्तर, कभी के अनुसार संसार में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो सूप की तरह निरर्थक को उड़ाकर सार्थक को बचा लें। कभी के अनुसार संसार में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो सूप की तरह निरर्थक को उड़ाकर सार्थक को बचा लें। भाषा बोध। नंबर एक, नीचे लिखे शब्दों का विलोम रूप लिखिए। बच्चों, हमें इनके विलोम रूप लिखना है। पहला है हमारा कल। कल का विलोम होता है आज। कल, आज। खा, दुख। सुख, दुख का विलोम होगा सुख। अपना, पराया। अपना, पराया। स्मरण, स्मरण का होगा विस्मरण। स्मरण, विस्मरण। स्मरण यानि याद रखना, विस्मरण यानि भूल जाना। सज्जन, दुर्जन। सज्जन, दुर्जन। सज्जन यानि अच्छे व्यक्ति, दुर्जन यानि बुरे व्यक्ति। बच्चों, हम जब विलोम शब्द लिखते हैं तो हमें इसी प्रकार लिखना है, जैसे कल, आज। दुख, सुख। अपना, पराया। स्मरण, विस्मरण। सज्जन, दुर्जन। चलिए अगला देखते हैं, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके की हमें क्या लिखना है, अर्थ। ये जो शब्द हैं वे क्या हैं? सुनने में एक जैसे लगते हैं पर इनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे हम बोलते हैं आदि, आदि का अर्थ होता है अर्थ। आरंभ, आदि का अर्थ होता है आरंभ। और यदि हम बोलते आदि, इसका अर्थ होता है किसी चीज की आदत होना। इसका अर्थ होता है किसी चीज की आदत होना। तो यहाँ पर हमें सुनने में एक जैसे लगने वाले परंतु अर्थ में भिन्न शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु अर्थ क्या देते हैं, भिन्न प्रकार का, उन्हें हम क्या कहते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो ऐसे शब्द हम यहाँ देखेंगे। पहला हमारा है अभ्यास। अभ्यास यानी किसी कार्य को बार बार करना। अभ्यास, किसी कार्य को बार बार करना। दूसरा है हमारा आभास। आभास यानी प्रतीत। आभास यानी प्रतीत। जैसे आपसे हम कहते हैं ना, बच्चे कॉपी में लिख लिख कर अभ्यास कीजिए, है ना? तो ये अभ्यास क्या है, किसी कार्य को बार बार करना। और आभास यानी प्रतीत। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आज मेरे घर मेहमान आएंगे, तो ये आभास का मीनिंग है। खा, उदर। उदर यानि पेट। उदर यानि पेट। उदार, बड़े दिल वाला। उदार यानि बड़े दिल वाला। गा, और यानि तरफ। और यानि तरफ। और यानि तथा। और यानि तथा। अब जैसे हम देख और बोला है, हम उस दिशा की ओर जा रहे हैं। और ये जो और है, इसको हम जब वाक्य में पढ़ेंगे, राम और मोहन दोनों मित्र हैं, ये इस प्रकार से प्रयोग होता है। घा, अचल। अचल यानि पर्वत।
अचल यानि पर्वत, अचला अचला यानि धरती, अचला यानि धरती। अगला देखते हैं हम नंबर दो, दिए गए शब्दों के मानक रूप लिखिए। इन शब्दों के हमें कौन से रूप लिखना है? मानक रूप। का काल, काल याने कल, काल याने कल। कोय, कोय याने कोई, कोय कोई। वाणी, वाणी याने वाणी, वाणी याने वाणी। जामे, जामे याने जिसमें, जामे जिसमें। सुमिरन, सुमिरन याने स्मरण, सुमिरन याने स्मरण। शीतल, शीतल याने शीतल, शीतल शीतल, शीतल शीतल। तो ये हमने कौन से शब्द देखे? मानक रूप वाले शब्द लिखना सीखा। अब बच्चों आपके लिए है गृहकार। गृहकार में आप देखिए, सबसे पहले प्रश्न नंबर एक, पाठ में आए विलोम शब्द लिखकर याद कीजिए। पाठ में जो विलोम शब्द आए हैं उन्हें आपको अपनी कॉपी में लिखना है और लिख लिख कर याद भी करना है। प्रश्न नंबर दो, किसी भी एक दोहे को याद करके उसका अर्थ लिखिए। आपको कोई भी एक दोहा याद करना है जो आपको बहुत पसंद है और उसका क्या लिखना है? अर्थ भी लिखना है उसका। प्रश्न नंबर तीन, पाठ में आए मानक शब्दों को लिखिए। जो पाठ में मानक शब्द आए हैं उनको आपको लिखना है और उनके अर्थ भी लिखना है। जैसे काल यानि कल, इस तरह के और भी शब्द पाठ के अंतर्गत आए हैं, आपको उन्हें लिखना है और फिर उन्हें याद करना है बच्चों। तो बच्चों आज हमने कबीरदास जी के क्या सीखे? दोहे सीखे और दोहों का अर्थ सीखा। अर्थ सीखने के बाद आपने देखे हमने उसके प्रश्नों के उत्तर मौखिक वाले और लिखित वाले, और अभ्यास में दिए गए विलोम शब्द, मानक शब्द, ये सभी चीज़ें हमने यहाँ पर आज सीखी। तो आप बच्चों ये सब चीज़ों को याद करिए और लिख लिख कर कॉपी में अभ्यास कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।